मार्ग दे देना बोल दोपहर लेकर ज़्यादा आया नहीं चुका Thank you.
मार्क दे देना फोन उधर करने का आगे मत ज्यादा आगे नहीं चुके किधर उधर किधर डेफिनेटली उसका जो ग्रैंडियर है वी आर मिसिंग ऑल दैट बट बिकॉज देयर इज कोविड हैपनिंग एंड ये साल भी हमें वो फेस करना पड़ रहा है तो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल एंड कॉशियस घर में परिवार में बच्चे हैं बुजुर्ग इंसान है उस वजह से वी हैव टू बी केयरफुल तो अभी भी इस साल भी वी आर डूइंग इन लोकी और माता का पूजा ज़रूरी है करके हम कर रहे हैं इस साल बट नेक्स्ट ईयर बीइंग अ 75th ईयर वी आर होपिंग एंड प्रेइंग कि तब सिचुएशन थोड़ा कंट्रोल में रहे एंड वी कैन डू इट इन अ मच बिगर वे दैट वी बीन डूइंग पास्ट फ्यू ईयर्स एक्चुअली पूजा का टाइम ऐसा है कि सब लोग आते हैं और एक एक परिवार हम साथ में मिलते हैं मज़ा करते हैं भोग चढ़ाते हैं भोग सर्व करते हैं तो कहीं ना कहीं वो मिस तो डेफिनेटली हो रहा है क्योंकि सबका शेड्यूल ऐसा है कि हम ज़्यादा लोग अंदर आने नहीं दे सकते वो हम लोग BMC के रूल्स फॉलो कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो मिस तो होता ही है बट वॉट टू डू वी हैव टू कोऑपरेट ज़्यादा लोग नहीं आएंगे बुज़ुर्ग लोग हम डिस्करेज कर रहे हैं आना मेंबर्स ओनली मेंबर्स विजिटर्स इस बार अलाउ नहीं कर रहे हैं डिवोटीज़ इस बार नहीं आ पाएंगे उसके लिए हमें बहुत बुरा लग रहा है बट डेफिनेटली सैनिटाइजिंग मास्क वो सब है और जो हम पुष्पांजलि देते थे फूलों के साथ वो अभी नहीं होगा सिर्फ हम हाथ जोड़ के माता को प्रार्थना करेंगे मंत्र ज़रूर बोलेंगे मगर हम जो फूल देते थे वो नहीं होगा प्रसाद जो बटता था वो नहीं होगा तो काफ़ी सारी चीज़ें हम नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज वी डोंट वॉन्ट द थिंग टू स्प्रेड बट बाकी यस माता है माता ही सब ठीक कर देंगी प्रिकॉशंस की वजह से हम एंटरटेनमेंट भी नहीं कर रहे हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं इस साल और लास्ट ईयर भी नहीं हो पाया था तो इट इज़ बेटर टू बी सेफ देन सॉरी इज़ व्हाट वी फील सब परिवार के लोग हैं ऐसे कोई आउटसाइडर तो है नहीं काजल रानी ज़रूर आएंगे आज नहीं आ रहे कल आएंगे तो अभी देखते हैं Let's see. Thank you. देखिए वर्चुअल पैंडमिक के वजह से हमारा पूजा बड़ा स्केल से छोटा हो गया छोटा मैंने पूजा में हमारा कोई कमी नहीं है हम जो पूजा हमारा भोग हमारा पुष्पांजलि हमारा संधि पूजा उसमें हमने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया वो तो सेम ही है आप ये बोल सकते हैं जहाँ हमारे पास 5,000 लोग आते थे 6,000 लोग आ रहे हैं वो हम कट कर हमारा जो मेंबर है उनको रख रहे हैं तो 200 आदमी आ गए हैं पर पूजा में हमारा वैसा ही शान वैसा ही चल रहा है उसमें कोई फर्क नहीं हमें कोविड के हिसाब से जो भी गवर्नमेंट ने बोला है जैसा हमारा प्रतिमा जो हमारा 12 फीट 14 फीट होता था वो अभी 4 फीट पर आ गया जो हमारा उसका प्रतिमा जो होता 30 फीट लंबाई चौड़ाई में होता था वो हो गया 12 फीट पे हो गया तो वो सब है मास्क पहनकर और हमारा भोग जो हम दे रहे हैं इस बार तो मैंने एक टेबल पे एक आदमी बैठता है फिर 2 फीट का गैप है फिर एक टेबल पे ऐसा करके मतलब तो पहला एक लंबा आदमी होता था जहाँ 200 आदमी एक साथ खाते थे आज 50 आदमी का भोग है और वो भी मेम्बर है तो हमारा 2 बैच 3 बैच में चीज़ ख़त्म हो जाता है तो अनफॉर्चुनेटली अफसोस की बात ये है कि हम बाहर के लोगों को भोग दे नहीं पा रहे वो हमें बहुत बुरा लगता है दैट इज ओनली थिंग गेस्ट तो कोई है नहीं गेस्ट बाहर के हमने किसी को नहीं बुलाया स्टार्स बुलाएंगे तो फिर वही क्राउड आएगा गर्दी हो जाएगा मारपीट होगा झगड़ा फसाद ये सब तो हमारे घर के जो है जो काजल है रानी है आयन है
शौरबानी है, ये सब जो है घर के ही बच्चे हैं, तो वो तो ऐसे भी आते हैं, आप खराब मैंने उनको बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं, वो लोग फ्री है तो आ जाते हैं। रानी तो शूटिंग कर रही है, तो शूटिंग करने के बाद वो फिर आ जाएगी यहाँ। काजल आती रहती है जाती रहती है, तो वो सब घर की बात है। सेलिब्रिटीज जो आप जिसके चल राज जैसे आयन है, काजल, रानी, वो ये छोटा पुल प्रेफर करते हैं कि इसमें क्राउड नहीं आते हैं, और यहाँ तो उनको मालूम है हमारे मेंबर एक दूसरे को जानते हैं, तो सब उनके क्या बोलते हैं भीड़ नहीं होता, सराउंड नहीं करते, उनको डिस्टर्ब नहीं करते, तो वो एक तरफ बैठते हैं, ये भी एक तरफ बैठते हैं, सो ठीक है, इन्जॉय द पूजा, तो उनके लिए दे प्रेफर दिस पूजा। थैंक यू।